अगर 2 महीने के अंदर अंदर असेंबली के इलेक्शन नहीं होते तो जाहिर सी बात है हम सियासी मुद्दों के साथ साथ डेवलपमेंट के इशू पे भी बात करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट इतना पार्लियामेंट का मैंडेट नहीं है जितना असेंबली का है। और जहां हमें मालूम है कि 2 महीने के अंदर अंदर असेंबली के इलेक्शन होने हैं, उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर होगा, उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स होंगे, उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंपेन होगा, उसमें डेवलपमेंट की ज्यादा बात होगी। इसमें जानबूझ के हम डेवलपमेंट पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए जो बड़ा पॉलिटिकल इशू है सेंटर को लेके, वो हमारा पीडीपी। आप शायद सपोर्ट कर रहे हैं, आपने पीडीपी के तरफ से कोई ऐसा ऐलान सुना है? मैंने तो इनका ऑपोजिट सुना है। मुझे तो खबर आई, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि ये गलत खबर फैलाई जा रही है और ये अफवाहों का जो है मतलब इसकी कोई बुनियाद नहीं है, और उनका अपना उम्मीदवार जो है मैदान में है और वो अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए आएंगे। मैंने यहाँ तक सुना है कि शायद पीडीपी के सदर महबूबा, एक सेकंड ना दीजिए, महबूबा जी खुद यहाँ आ रही हैं 3 दिन का दौरा करने। तो अगर वो 3 दिन के लिए आ रही हैं तो वो अपने कैंडिडेट के लिए आ रही होंगी, वो इंजीनियर रशीद साहब के लिए थोड़ी ना आएंगे। मुझे मालूम नहीं अगर इंजीनियर रशीद साहब का कोई बेल का एप्लीकेशन पेंडिंग है या नहीं। अगर पेंडिंग है बेल जो है उसके लिए अप्लाई करना चाहिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो जेल में है क्यों? फिलहाल तो कोई, जहाँ तक मुझे मालूम है, उनके खिलाफ कोई चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं। अदालत में केस पेश करना तो दूर की बात। तो अगर अभी, और उनको जेल में अभी काफ़ी अरसा हुआ है, 2019 शायद उनको गिरफ्तार किया गया था जब हम थे, उसके बाद से लगातार वो जेल में ही हैं। इतने साल के बाद अगर आज अभी तक भी आप उनके खिलाफ चार्जेस कोई फ्रेम नहीं कर सके, तो उनको बंद रखने का कोई मतलब कोई जवाजियत ही नहीं है। मैंने बार बार मीडिया के इंटरेक्शन में, क्यों मैं तकरीरों में ये चीज़ें दोहराता नहीं हूँ, लेकिन जब प्रेस ने मुझसे पूछा ये, तो मैंने कहा हम सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, यहाँ के लोग जानते हैं कि इंजीनियर रशीद को किसने गिरफ्तार करवाया और उनसे बदला कौन ले रहा है। लेकिन इंशाल्लाह अगर जून में एक हुकूमत बदली और अगस्त में सितंबर में हमारी हुकूमत बनी, तो ये जो उसको बंद रखने का सिलसिला है, इसको हम खत्म कर देंगे। प्राइम के चलें कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में इतना बदलाव लाया है कि बस अब लोग पुरानी पार्टियों को भूल गए हैं, तो फिर उनको मुख्तलिफ प्रॉक्सी पार्टीज के पीछे छुप के इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत पड़ी? उनको अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए था, फिर तो हम अपनी शायद जमानत खो जाते। हमें कौन वोट देता अगर बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में होता? क्योंकि यहाँ इतना बदलाव आया है, इतनी तरक्की आई है। मुझे 4 दिन हो गए सोगाम में रहे हुए, मुश्किल से कल रात को मैंने बिजली देखी, क्योंकि बार बार मैंने तकरीरों में बिजली का जिक्र किया तो शर्मिंदा होकर आज इन्होंने लाइट छोड़ी। नहीं तो 3 दिन जो है लगातार सोगाम में मैंने कोई बिजली नहीं देखी। बाकी यहाँ का हाल हम सब जानते हैं। कल मैं केरन से होके आया, सड़क की हालत, मेरी गाड़ी जो है वो मुझे मालूम है मेरी गाड़ी पे क्या गुजरी। वहाँ मोबाइल फोन का टावर है, टावर का सिग्नल दिखता है, लेकिन मोबाइल फोन चलते नहीं है। इसी तरह बाकी जगहों में भी यही हाल है। लेकिन मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि अगर सारा कुछ बेहतर है और इतना बदलाव आया है, तो बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में क्यों नहीं? क्योंकि अगर बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में होते, उनकी जमानत नहीं बचती। अब जहां तक आपने बाकी मुल्क की बात की, बाकी मुल्क को फैसला करने दीजिए, 4 जून को नतीजा पता चलेगा। के हवाले से तब बात की जब आप लोगों ने सवाल पूछे। मैंने तकरीर में कहीं पे भी पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं की। और जहां तक मजहब का सवाल है, मजहब का तो अब हमें जवाब देना ही होगा। जब बीजेपी के तरफ से बार बार मुसलमानों को जलील करने की कोशिश की जाती है, जब बार बार मुसलमानों के खिलाफ बात होती है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इस चीज का जवाब दें? अगर वो मुसलमानों को जलील करना बंद करें, हम भी इस पे बात करना बंद करेंगे। सिर्फ इंडिया ब्लॉक से क्यों ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बात करेंगे? हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि अगर
खुदा ना खास्ता ये लोग दोबारा वापस आ गए, ये भी बात करेंगे। हमने बार बार कहा है और हम और किसी की बात नहीं दोहराते, श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बात दोहराएं जिनको इन्हीं नरेंद्र मोदी साहब ने भारत रत्न से नवाजा। उन्होंने ही कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी था, है और आगे रहेगा, लेकिन हकीकत ये भी है कि बातचीत के लिए माहौल तैयार करना उसकी जिम्मेदारी जो है वो दोनों मुल्कों की है। मैं सिर्फ इसके लिए दिल्ली की हुकूमत को या मरकज की हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ, इस्लामाबाद को भी, जो हमारे जो परेशानियां हैं या जो हमारे कंसर्न्स हैं उनको दुरुस्त करना होगा और बातचीत के लिए माहौल तैयार करना होगा। मेरी सिर्फ इंडिया ब्लॉक से ये मांग नहीं होगी, आने वाली जो भी हुकूमत होगी हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते जो हैं वो सुधर जाएं और नॉर्मलसी की तरफ चलें। इलेक्शन डिले करने का, अगर के कोई हुकूमत जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का खतरा लेने के लिए तैयार है तो करें डिले, क्योंकि ये इलेक्शन हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं हो रहा है। ये इलेक्शन तो बहुत पहले होने चाहिए थे। जम्मू कश्मीर में अब 10 साल हो गए असेंबली इलेक्शन हुए। अगर आप 6 साल का जो हमारा पहला 6 साल का टर्म होता था अगर उसको ले लें तो 4 साल डिले है। अगर आप बाकी मुल्क की तरह 5 साल का टर्म ले लें तो अभी तक 2 टर्म्स हो जाने चाहिए थे। तो ये जो इलेक्शन अब इलेक्शन की बात हो रही है ये तो सुप्रीम कोर्ट की बदौलत, उन्होंने अपने फैसले के दौरान हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को वाजिया हिदायत दी कि 30 सितंबर से पहले पहले ये सिलसिला जो है ये ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इसमें डिले की जहाँ तक मुझे लगता है कोई गुंजाइश नहीं है। और जवाजियत क्या है, पहले तो ये कहते हैं हालात बिल्कुल ठीक है, अगर हालात ठीक है नॉर्मल सी है तो फिर इलेक्शन पोस्टपोन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और आपका